नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती सिटी न्यूज। दोस्तों, इन दिनों स्मार्टफोन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ा है। 5 रुपए के हरे धनिए से लेकर महंगी से महंगी वस्तु ऑनलाइन खरीदी की जा रही है। चर्चा है कि अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे अनेक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म व फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली वस्तुओं की जोरदार बिक्री हो रही है। ग्राहक इस कालाबाजारी से अनजान है। नकली उत्पादकों को सोशल प्लेटफॉर्म पर दिखाते हुए इसकी जगह ब्रांडेड वस्तुएं दर्शाकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। जब ग्राहक ऑनलाइन इन वस्तुओं को मंगवाता है और प्रत्यक्ष में वस्तुएं मिलती है तो ठगा महसूस करता है। ब्रांडेड के नाम पर नकली वस्तुएं हासिल करने के बाद ग्राहकों को कई दिनों तक इस बात का पता ही नहीं चलता। लाखों करोड़ों रुपयों का कारोबार नकली उत्पादकों के बल पर किया जा रहा है। दोस्तों, यह कंपनियां बड़े ब्रांडों का टैग लगवाकर नकली वस्तुएं बेचती है। एक बार खरीदी की हुई वस्तु वापस लौटाना झंझट का काम है। ऑनलाइन कारोबार से स्थानीय परंपरागत व्यापार चौपट हो रहा है। दोस्तों, नवरात्रि व दिवाली जैसे सीजन में भी शहर में कुछ खास चहल पहल नहीं है। उंगलियों पर घर बैठे ब्रांडेड वस्तु पाने के मुलाकातों में लोग नकली उत्पादक धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर फिलहाल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सार्वजनिक मंडल के कुछ कार्यकर्ता दुकान पर चंदा मांगने जाते हैं। दुकानदार कार्यकर्ताओं से पूछता है कि घड़ी कहां से खरीदी, तो वह बताता है कि ऑनलाइन खरीदी। जीन्स पैंट, शर्ट, जूते, गॉगल ऑनलाइन खरीदने की जानकारी देता है। दुकानदार कहता है कि सब कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो चंदा भी ऑनलाइन ही ले लो। दोस्तों, विशेष यह कि नकली उत्पादनों के संदर्भ में पुलिस कार्यवाही पर फर्ज अदा करती है। हाल ही में अमरावती शहर के गाड़गे नगर की पुलिस ने नकली आयोडेक्स, मैगी, एवरेस्ट मसाला पकड़ा था। इस कार्यवाही करने पर पुलिस की वाहवाही की बजाय उन्हें नोटिस थमाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। इसलिए पुलिस भी नकली माल के गोरख धंधे से दूर रहना पसंद करती है। कानून की त्रुटियों का फायदा कालाबाजारी करने वाले धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, ब्रांडेड के नाम पर पैसे खर्च कर हाथ में नकली उत्पादन देकर खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। खाद्य व अन्न औषध प्रशासन की मर्यादाओं का लाभ गोरख धंधा करने वाले उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस बारे में क्या लगता है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चलो तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अमरावती सिटी न्यूज़।